हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइज, इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो हम लोग कैसे ऑपरेटर यूज़ करेंगे और ऑपरेटर एक्चुअली है क्या, और अगर ऑपरेटर को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी आउटपुट हम लोग को कैसे देगा, और हम लोग ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी लेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, हम लोग आज देखने वाले हैं जो कि प्लॉस के बारे में। ओके, ये एक हो गया, और एक अभी ये प्लॉस मतलब एडिशन। ओके, और एक ये सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये हो गया हमारा जो मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डबल मल्टीप्लिकेशन। ओके, और उसके बाद और डबल मल्टीप्लिकेशन ये जो है ना, आप उसे एक्सपोनेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिवीजन। ओके, और एक चीज़ रह गया यहाँ पे परसेंटेज। ओके, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंक्रीमेंट, जो कि ये रहा हमारा इंक्रीमेंट और ये रहा हमारा डिक्रीमेंट। ओके, आज हम लोग इतने ही चीज़ों के बारे में सीखेंगे, इसे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और भी चीज़ें बहुत सारे सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना ली है। ओके, और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किए, सिंपल सा हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना है, और ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने आज इस क्लास में कवर करने वाले। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को पता चल गया कि ये है एडिशन, ये जो पहला वाला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, और ये एक्सपोनेंशन, और ये हमारा जो डिवीजन। ओके, और इसे आप लोग कह सकते हो रिमाइंडर कह सकते हो। ओके, ये मॉडुलस। ओके, मॉडुलस और रिमाइंडर भी आप, और ये है इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट। ओके, अभी हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, जो कि है हम लोग आज वेरिएबल, हम लोगों ने पिछले क्लास में वेरिएबल सीखे थे, वही वेरिएबल को यूज़ करेंगे, उसके साथ ही ये चीज़ों को भी हम लोग उसके साथ ऐड करके सारी की सारी चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग वेरिएबल एक ऐड करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल हम लोग अभी यूज़ करते हैं, मान लो ए इज इक्वल टू, ओके, ए इज इक्वल टू कितना हम लोग दे देते हैं 25। ओके, और एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं जो कि मान लो बी। ओके, बी इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 30। ओके, हो गया। और अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को चाहिए अभी क्या, सी। ओके, सी इज इक्वल टू हम लोग अभी ऐड करेंगे, सी कितना होगा, अगर ए, अगर यहाँ पे हम लोग पहले एडिशन करते हैं ना, अगर हम लोग पहले एडिशन करते हैं तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे ये दोनों को, ए और बी को। तो ए और बी को एडिशन करने के लिए हम लोग सी इज इक्वल टू क्या करते हैं, हम लोग ए, ओके, ए प्लस बी करते हैं। ओके, और एक चीज़ हम लोग को लिखना पड़ेगा जो कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट, जो कि हम मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो की थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग को सी आंसर चाहिए, किसकी, सी की। ओके, मतलब ए प्लस बी की एडिशन हम लोगों ने अभी की है, तो यहाँ पे हम लोग सी ऐड करते हैं। इसे सेव करा मैंने, अभी उसकी आउटपुट देखते हैं। ओके, तो देखो, जो कि हमारा था अभी 30 प्लस 25, मतलब यहाँ से ये दोनों को हटा देते हैं। ओके, अभी देखो 3 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, आपको दिख रहा है ना। ओके, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5,
तो ऐसे हम लोग मतलब एडिशन कर सकते हैं, और अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करें, ओके, उसके लिए यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे माइनस ऐड करता हूँ, सेव करा मैंने, ओके, इससे अभी 20 कर देते हैं, ओके, सेव करा मैंने, और अभी देखो 20 - 3 इज इक्वल टू 17, ओके, क्लियर है ना? अगर हम लोग अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 × ओके, सेव करा मैंने, 2 × 3 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को 6 देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो भी चाहे, अगर मल्टीप्लीकेशन मैंने की, सब्सट्रैक्शन की है, एडिशन की है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसे देखो, अगर इससे मैंने डाला और हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, तो अभी उसकी आउटपुट देखो तो 8 आ गया ना, ओके। तो अगर आपको ये सब चीज़ पता होगा, अगर आप कैलकुलेशन आपको पता होगा कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ होती है, तो आप इजीली कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया 8 हमारे पास। और अगर हम लोग यहाँ पे डिवीज़न यूज़ करते हैं, मतलब ए डिवाइडेड बी, तो ए को हम लोग देते हैं 20, ओके, और बी को दे देते हैं 2, ओके, सेव करा मैंने, अभी उसकी आउटपुट देखेंगे। ये रह गया हमारे आउटपुट, ओके, हम लोगों ने अभी डिवाइड की है। और अगर हम लोग उसकी रिमाइंडर अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे, तो रिमाइंडर के लिए यहाँ पे मैं सेव करा 3 ऐड, 3 ऐड करा, और यहाँ पे ऐड करा, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इजीली, ये रहा उसकी आंसर, ओके। आप लोग को रिमाइंडर चाहिए या आपको मतलब निकाल के दे देगा, ओके। इस तरह आप जो भी चीज़ें चाहो कर सकते हो। अगर अभी हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग देखने वाले हैं, ओके। ये रह गया हमारा जो ऑपरेटर रह गया, और हम लोग अभी देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। इक्वल टू हम लोग पहले यूज़ करते हैं, इक्वल टू, ओके, ये रहा ऑपरेटर, ओके। एग्जाम्पल अगर हम लोग यूज़ करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। और हम लोग अगर यूज़ करते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आप नोट कर सकते हो। आपको अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप, अगर हम लोग जैसे यूज़ करते जाएंगे उसे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ओके। आप पहले उसे नोट करो, फिर हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। उसके बाद प्लस इज इक्वल टू, ओके, ये रहा ऑपरेटर, ओके, ये रहा ऑपरेटर, ओके। यहाँ पे मैं ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल, और यहाँ पे सेम एज, ओके, ये रहा। और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एक्स, ओके, एक्स प्लस इज इक्वल टू, ओके, वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर आप जो भी चीज़ें करना चाहो तो वो कर सकते हो। अगर आप इसे नोट भी करके अगर आप लिखना चाहो मेरी तरह, तो आप इजीली इसे नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, ओके। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करी है, आप उसे जल्दी से नोट कर लो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ओके। तो उसके बाद अगर हम लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके, कोडिंग के अंदर हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले ऐड करेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए हम लोग लेते हैं ए इज इक्वल टू, ओके, ए इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 20, ओके, मान लो हम लोग 20 लेते हैं, सेमी कॉलन, फिर वेरिएबल वेरिएबल, और एक चीज़ हम लोग लेते हैं बी, बी इज इक्वल टू हम लोग मान लो लेते हैं 2, ओके, सेमी कॉलन। अभी हम लोग
कुछ चीज़ें ऐड करेंगे भी, सॉरी मतलब ए इज इक्वल टू ए माइनस इज इक्वल टू बी। ओके, हम लोग लिए कौन सी ऑपरेटर को, यहाँ पे देख सकते हो माइनस और इक्वल टू। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी आउटपुट, ये देखो इसकी आउटपुट ये रही। ओके, तो ये रहा इसकी आउटपुट। अगर हम लोग यहाँ पे डबल मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो ये देखो। ओके, तो इस तरह आप जो भी चीज़ें करना चाहो, जो भी कोडिंग करना चाहो, अगर आपको मैथ वगैरह कुछ आते हैं आपकी आपको आते हैं, अगर आपको नहीं आते तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसे डाल सकते हो और यहाँ पे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही ईजी चीज़ है, बट यहाँ पे आपको मैथ वगैरह के लिए आपको थोड़ी दिमाग यहाँ पे ऐड करना चाहिए। ओके, तो आई होप ये जो पार्ट रहा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई है, ओके, तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो। अगर फिर से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो पर्सनली मैं आपको, ओके, ये जो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल जरूर रखिएगा।